बाद में हम क्वेश्चंस इस
which is, this is the only reason you have your marker pen. So how you do it with Charles's marker? So how you do it, ये सबसे पहले आपने वेक्टर ऑर्बिटल रिंग मार्क किया, उसे एक सेंटीमीटर का आय मेरा टॉपिक नहीं है बट मेरा ख्याल है दैट्स हाउ आई टीच माय ट्रेनीज के बेस्ट डाइल्यूशन इज 1 cc में आपको उसको डाइल्यूट करें दिस इज द बेस्ट डाइल्यूशन चाहे आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है चाहे आपको मुझे 12 साल हो गए हैं मैं सिर्फ 1 cc आई ड्रीम जी के उसमें चीजें जितना फ्रिक अमाउंट हो जाएगी उसमें चीजें ठीक है जी ऑर्बिक्युलरिस वेरी इजी मसल टू चेक जस्ट अगर आपको ब्रॉक को लेफ्ट लेफ्ट करना है मेरा ख्याल है टोसिस बनने में फोरहेड के फ्रंटलिस के इंजेक्शन से ज़्यादा चांस है जब आप आई ब्रॉक को लेफ्ट करना चाहते हैं ब्रॉक से तो उसमें चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने रेशो को फील करना है अपने रेश को फील करना ठीक है क्योंकि डेट उससे ऊपर मसल नहीं होता है सो इसको आप अपने आईब्रो के ऊपर डालेंगे तो आपको कोई एलिवेशन नहीं आएगी आपको बिल्कुल आईब्रो के अंदर जाना है और जो लेटरल जो 1 cm है ठीक है वहाँ तक लेना है उससे आगे आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाए तो आप आगे का ये ना जाए जब आप ऐसे फैंसी किस्म के काम करते हैं कि आईब्रो को लिफ्ट करना है यानी तेल कुछ और रहे हैं रिजल्ट कुछ और चाहते हैं So always inject minimum amount of dose and just recall that and patient really appreciated मसल भी हो तो भी मेरा ख्याल में 10 यूनिट इज मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपको डालना चाहिए अगर मैं इससे स्टार्ट फॉर हां वन साइड और अदरवाइज माय रिक्वेस्ट विल बी जस्ट स्टार्ट एट 5 यूनिट्स और फिर उसके बाद अपने वो देख लें ये जो आप स्लो स्टार्टर होते हैं ना उनको एक और फायदा ये होता है कि फिर कुछ अरसे बाद दे एग्जैक्टली नो कि इस मसल को कितने डोज की जरूरत है अगर आप हैपजेडली डालते रहेंगे ना वो पेशेंट स्टाइल में कि जी इसमें 10 डाल दिया तो हर मसल में 10 ही डालते जा रहे हैं ओके आपको कभी भी 5 साल की बोटॉक्स लगाने के बाद यू नॉट एग्जैक्टली नो के इतने को कैश करने मैंने स्टार्टेड इधर इधर एक्सपोजर सही है आई प्रैक्टिस सो मैं एक बोटॉक्स से नॉर्मली एक पेशेंट ट्रीट करता था नाउ
लगाइए, फोन पे लगाइए और फिर वापस आ जाएगा, बट वो हाल में आज से बड़ा खराब वो है, एक तो उसको बाद में भी आपके उसको पेशेंट को यहाँ पे डर फील होगा, आपकी नीडल्स खराब हो जाएंगी, नीडल्स का बहुत बड़ा इशू है आमतौर पर हमारे सिक्स से भी सीखेंगे तो ट्रस्ट में एडवांस का आपको किसी का भी जरूरत नहीं है, नो दैट इंडिकेशन के लिए ट्रक है जो कि बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ओके ऑर्बिकुलराइज ऑर्बिकुलराइज ऑरिस के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो मसल का मेन पल्प बनाता है अराउंड माउथ वो मैक्सिला से निकलता है, यहाँ पे स्किन पे और म्यूकोसा पे आपके अटैच होता है। जो एक्सटेंसिव पार्ट है ऑरिस ऑरिस का वो बेसिकली नाइन मसल से मिल के बना है। क्या इंडिकेशन है क्योंकि जब आप रिलैक्स कर देंगे वही जैसा फ्रंटलिस में दूसरी चीज़ों का रिलैक्स करते हैं, अगर आप इस मसल को यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी मसल को अल्टीमेट है वो जहाँ से वो तो फिर ये जो नीचे वाला मसल है इसकी एक्टिविटी जीरो हो जाए बोटॉक्स लगाने के बाद, उसे भी फिर लोकलाइज एरिया में ऐसे डाल जितनी उसकी स्ट्रेंथ है जितना अपने अमाउंट डाल है वो सब उसको ब्लॉक करेगा, उसके बाद ख़त्म हो गया अफेक्ट। सो जनाब आज सो ऑर्बिकुलर्स के दो पार्ट हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये जो इंट्रिंसिक पार्ट है जो कि मसल के आपके एजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक पार्ट और ऑर्बिकुलरिस में आपको थोड़ा सा डीप इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंजेक्शंस देने पड़ते हैं क्योंकि मसल का बल्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंजेक्शन एक ही जगह पे देंगे देयर इज़ अ हाई चांस के वो तीन चार सेंटीमीटर जो तीन चार यूनिट वो उसी एरिया में लगा दें आपने और वो मसल का पीक ही ब्लॉक हो जाए क्योंकि इतना ऐसे टाइप so how we break you do a lot of injections with one unit okay जिस पेशेंट ने भी कभी फिलर लगाए जब से नेवर डू इट विदाउट ब्लॉकिंग हर नर्व्स, नेवर एवर डू इट। ओके पेशेंट की एक चीख निकलेगी और आपके हाथ खुद ही अजीबोगरीब तरीके से चलने लगेगा। ओके सो वो सिमेट्री नहीं आती, वो खूबसूरती नहीं आती और हमारे यहाँ के पेशेंट अजीब है। अगर आप तो आप थोड़ा सा फिलर डाल के उनका जब ऐसे देखें जल्द से जल्द इसको काम नहीं आता। ये
इसमें से तीन अपर पार्ट से आते हैं, ये सारे मसल्स हम देख चुके हैं, भी हम सिर्फ इसमें लोकेशन और इंजेक्शन का तरीका देख रहे हैं। पांच लेटरल पार्ट से आते हैं और एक लोअर पार्ट से आता है, ठीक है, जो नौ मसल दिल के जो यहाँ पे बनाते हैं, उनमें से पांच एक जगह आके अटैच होते हैं जिसको मॉड्यूलस मॉड्यूलस कहते हैं। और ये सारी चीज़ें बन के यहाँ पे अटैच हो गए। लोअर लिप में जो आप हम अगर इन पांचों मसल्स का बात करें, ये जो आपको सबसे ऊपर जो मसल नज़र आ रही है ये एडिपोनाज़ी है, जो कि जिसके दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक मसल में जाता है और एक लिप में जाता है। सो इसको जब आप ब्लॉक करते हैं सो ये सेकंड मसल है जो उसके बिल्कुल बराबर में होती है, लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस। और आमतौर पर और ये ज़ेरोमेटिक माइनर आमतौर पे इन इन मसल को ब्लॉक करने की क्या इंडिकेशन होती है? पेशेंट आपके पास किस उसके साथ आया कंप्लेन के साथ लिपेंस के बारे में आर्टिकुलेशन से बोलो सोन रिस्पांसिबल यस कमी ना कर सकते के जिसमें उन लोगों का जेजेवल शो ज़्यादा नज़र आता है। बट यू नीड टू नो कि जब आप कमी लाइंस में इंजेक्ट करते हैं कि वो जेजेवल की वजह से हैं या वो कमी लिप्स में जेजेवल की वजह से हैं या मसल का उसमें प्रॉब्लम है। जो जेजेवल की वजह से होते हैं क्योंकि जेजेवल आप नीचे है उसमें फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, टैटू खराब होने का ज़्यादा चांस है। सो दिस इज अ इंडिकेशन जो है वाला बोटॉक्स यूज़ करते हैं। ये वाले मसल से डीप होते हैं, ठीक है, मगर इनमें एक अच्छी बात यह है कि सराउंडिंग में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आप अगर किसी मसल को ब्लॉक करें और आपका बोनोज नहीं पे स्लिप हो जाए और वो मसल डैमेज हो जाए जिससे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, आमतौर पर ऐसा नहीं करता, ठीक है। और मेरा ख्याल में अगर आप मार्किंग वाली नीडल्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कुछ नीडल्स आती हैं जिनके डेप्थ मार्क होगी वगैरह, सो 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर इज अ रिक्वायर्ड डेप्थ जहाँ पे आपको अंदर जाके इन मसल्स को ब्लॉक करना है, ओके। लोअर पार्ट पे एक सिंगल मसल होता है चिक कैप और डिप्रेसर लेते हैं इंफ्लेमेशन इंफ्लेमेटरीज और यहाँ पे जी ये पांच मसल मिल के एंगल ऑफ माउथ पे अटैच होते हैं। इनमें ज़ायरोमेट एक एंगल है, लिवेटर एंगल है, ऑरिस एक इम्पॉर्टेंट मसल है, ये बहुत डीप मसल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दिस मसल। और सो नॉर्मली लोग इसमें कुछ भी कम ऐसा टाइम होता है जो आपको ब्लॉक करना पड़ा है। वैक्सीनेटर वैक्सीनेटर इज अ मसल, इसमें इतना अच्छा डेवलप नहीं मसल है, डेवलप मसल और वैक्सीनेटर है। रेजोरिस आई जस्ट वो कि रेजोरिस आपने से ब्लॉक करता है कि नहीं करता है, कभी मैंने नहीं किया रेजोरिस के बाद प्रैक्टिस में। प्लेटिस्मा भी बहुत सुपरफिशियल मसल है, प्लेटिस्मा के जो बैंड्स जो बनते हैं, ठीक है, सो द बेस्ट वे ऑफ इंजेक्टिंग दो बैंड आप उनको होल्ड करेंगे, ठीक है। अगेन आपने सिमेट्रिकली सेंट्रल लाइन से मार्क करने हैं, सारे बैंड सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस मार्क करना है कि आप एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे इंजेक्ट बड़ा वीक सा मसल है, बहुत ही थिन मसल है। सो उसमें मेरा ख्याल में एक साइड पे अगर आप 10-12 यूनिट्स भी लगा दें तो आप डिप्रेसर एंगल है, और इस मैंने आपको बताया कि मेरिडियन लाइंस में फिलर के साथ आप ब्लॉक करते हैं क्योंकि
difficult area of the oriented module has been there, jo ki sare muscles ko attach karta hai. एक क्लास मसल मेंटालिस मेंटालिस का अगर कोई आपके साथ पास आए तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन कंप्लेन से के लिए एक चीज़ है वो चलता है अगर जब तो आप मुझे तो स्टेम कैन को पास हो रही है जिन डॉक्टर्स यूज करते हैं ना ऐसे मॉडल्स को अपनी प्रैक्टिस में असली में समझ लो पोस्टमार्टम और होते हैं तो फिर डॉक्टर ये सब करते हैं ना फेशियल एनाटॉमी ये वो superficial. I don't see any at all. To resist, resist. And then she resists deep. Muscle. हाँ है ये देखिए टेबल्स पे रखे हैं okay,
जो आपके सवाल है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ बोटॉक्स. अगेन अगेन आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा इस सिनेरियो में कि आप आइडियल रिजल्ट अचीव कर सकें. ओके, सो ये जितना भी मसल है ये सारा फ्रंटालिस है. सो होता क्या है कि अगर आप सेंट्रल और फ्रंटालिस को इंजेक्ट करें तो ये जो पार्ट है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और ये एस ब्राउ को लेफ्ट रहता है. और अगर आप इसके साथ यहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं तो ऑर्बिकुलरिस जो इस ब्राउ को नीचे लेके जा रहा है वो वीक हो जाता है और मजीद लेफ्ट मिल जाता है. यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको? जी मैम, मैंने बताया था, मैं भी दोबारा बता देता हूँ, मैंने उसने भी बताया था आपके यहाँ पे चेक करना. ये जो रेज है ना, रेज पे फ्रंटालिस जो ये ऑर्बिकुलरिस वगैरह है, रेज के बाद नहीं होता है मसल. ठीक है, सो इस आईब्रो के बिल्कुल अगर आप नीचे चेक करते हैं. ठीक है, सो जनाब आप इनके कंप्लेन क्या है कि फोर एपिक रिंकल्स हैं और फोर एपिक रिंकल्स के साथ इसको भी एड्रेस करना. Now, how you do it is के आप ये जो आपका सेंटर वाला पार्ट है इसमें आप प्रॉपर बोटॉक्स लगाएंगे जितने आपको ज़रूरत है आपके ख्याल में कि इन रिंकल्स को इम्प्रूव करने की. ठीक है, जब आप इसमें प्रॉपर बोटॉक्स लगा देंगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा बोटॉक्स लगाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. एक प्रॉपर जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है बोटॉक्स का आप वो रिक्वायर्ड अमाउंट इसमें लगा देंगे. अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब ये बोटॉक्स पैरालाइज होगा सो ये वाला हाइपर एक्टिव हो जाएगा. अब इसके हाइपर एक्टिव से इनको ये तो मिलेगा, देन यू नीड टू इवेलुएट कि जब ये हाइपर एक्टिव होगा तो यहाँ पे तो रिंकल्स नहीं बन जाएंगे. ओके, जब ये मसल हाइपर एक्टिव होता है, बोटॉक्स इज अ डायनामिक मसल है ना, सो सॉरी बोटॉक्स प्रोड्यूस डायनेमिक रिंकल्स है ना. बोटॉक्स के रिंकल्स आम तौर पे ऐसे नहीं होते जो कि स्टैटिक फेस में हो. ठीक है, सो नाउ यू नीड टू इवेलुएट कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है यहाँ पे रिंकल्स आएंगे कि नहीं आएंगे. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, ठीक है, तो आप उस वक्त इसका 1/3 अमाउंट यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं. ओके, बेस्ट एडवाइस विल बी कि जो बिगनर्स हों आप उन्हें बता दीजिए कि जी मैंने ये आपका दोनों चीज़ें वो कर दी हैं. बट बाज लोगों में ऐसा होता है कि जब ये वाला फर्टिलाइज हाइपर एक्टिव होता है तो उसमें कुछ रिंकल्स आ जाते हैं. अगर ऐसा हुआ तो आप एक हफ्ते बाद आ जाइए, मैं उसमें छोटे छोटे से ज़रा सा बता उसका डोज लगा के उसको ख़त्म कर. मैम हो गया आपके सवाल का जवाब? ओके, उस वक्त भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं. और बताइए जी. जी सर, वो सर फोरहेड में हॉरिजॉन्टल जो रिंकल्स है जी सर, क्या उसमें भी हम बल्क उसके जो बल्क में लगाना है या क्रीजेस में लगाना सर? कभी कंफ्यूजन होता है लगाने में? जी 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 सर, दो चीजें हैं. पहली चीज ये कि कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपना ये कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए जिंदगी भर के लिए. ओके, दूसरी चीज़ ये कि आमतौर पे आप जहाँ पे भी एनाटॉमी की क्लास लेंगे या जहाँ पे भी आपको बोटॉक्स वगैरह लगाना सिखाया जाए, बोटॉक्स लगाना सिखाया जाएगा कि लास्ट में वो जो इन बल्क जहाँ पे मसल का बल्क है जो पीक बनता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी बाय एनी मीन्स. भेदराव को क्या लगाइए जी? जी आपको बताया कि ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकती है. सिर्फ जो इश्यूज हैं वो आपके इंजेक्ट करने में या तो आपने गलत इंजेक्ट कर दिया है या कहीं कहीं बाज जगह आपने ओवर डोज कर दिया. ये जो फेस के जो ऊपर के मसल्स होते हैं या फ्रंटल हेयर लाइंस
हेयर लाइन्स पे तो हम लोगों ने बोटॉक्स वैसे बालों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कंपनी वाले जब तक जिंदा हैं सर पता नहीं कहाँ कहाँ पे बोटॉक्स इस्तेमाल होता है सो ओके अब अगर किसी की हेयर लाइन के पास वाले मसल में आप बोटॉक्स लगा दें तो क्या नुकसान होगा इस्तेमाल करना सीखें जी सबसे आसान तरीका ये है एक प्रैक्टिस को वो करने का अभी तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं YouTube पे और अजीब अजीब चीज़ें सो उसमें अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस आके देखने के लिए मिसाल होता है यहाँ तक होता है यहाँ निशान ये क्यों कर रही हूँ क्यों अगर आप नहीं कहें कहाँ से और बताइए फॉर ग्लैंडुलर लाइंस मेल और फीमेल पेशेंट की डोजेज डिफरेंट होती है बिल्कुल जी मेल और फीमेल पेशेंट की डोज आमतौर पे डिफरेंट होती है बट इस आमतौर का मतलब जो है वो ये है कि बास फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जिनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बास मेल्स भी ऐसे होते हैं जिनके मसल्स बहुत वीक होते हैं अगर आप एक स्टैंडर्ड के लिहाज से बात करें तो मेल्स में थोड़ा सा डोज आपको अच्छा व्हेन कैन यू रिपीट दिस डोज और पेशेंट आते हैं कि रिंकल्स थोड़े से रह गए आप जी 72 आवर्स के बाद जब चाहे बुला लें बट आइडियल टाइम स्टार्टिंग विद द रोड और 2 यूनिट से स्टार्ट करें आइडियल टाइम इज 1 वीक आइडियल टाइम इज 1 वीक एंड दे रियली अप्रिशिएट कि जब आप उनसे इस किस्म का डील करते हैं कि जी आप आज ये का मैं मिनिमम से दे दूं कि कर दूंगी तो खुश हो आप लोग नहीं एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए मेल और फीमेल बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा इंजेक्ट कर देंगे और ब्राउ को फ्लिप कर देंगे थोड़ा फेमिनिन टच आ जाए ये 100% फैक्ट है बोटॉक्स वो दवा है कि जिससे आपको ये चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं और के थोड़ा सा टच हो जाता है मेरे पास डिफरेंट पेशेंट हैं श्री रोबर शास्त्रा के पास डिफरेंट पेशेंट हैं रोबर शास्त्रा मॉडल से करके उसको ट्रीट करती हैं लेकिन वो मुझे मेल के थोड़ा सा फीमेल टच आ गया माई पेशेंट को माई तो कहते हैं चलो यार काम तो हो गया सही है थोड़े थोड़े मैडम के पास सारे एक्ट्रेस मॉडल्स हैं जैसे कि हर वक्त उनका काम ही मेरा देखना है या वो थोड़ा मैं उन्हें वगैरह बताते रहते हैं बट जैसे सब है बस सब जो है उसे बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा हो सकता है सो वो यहाँ से मैंने आपको बताया इवेल्युएशन नो योर फेसेस मैं अपने ट्रेनिंग्स को एक बात बता दूँ जो मुझे अभी समझ में आई मैंने सर्जरी करने के बाद मैंने बहुत सर्जन्स की लिखी हुई बुक्स पढ़ी और एक मेडिकल डॉक्टर की भी बुक पढ़ी एवरीवन सेज कीजिए आपको फेलोशिप करने के बाद मिनिमम 5 साल चाहिए कोई 5 साल का लर्निंग घर वह जो कि आपको गुजारना है ये सेंटेंस ऐसी लिखा हुआ हर किताब में आपको मिलेगा मुझे ये सेंटेंस समझ नहीं आया बट रिसेंटली अभी 12 साल की प्रैक्टिस के बाद मुझे ये समझ आया कि आपकी एक लिमिटेशन है ओके आप जो भी काम करते हैं सबसे पहले आपको अपनी लिमिटेशन जाननी होती है उसके बाद ये जो ह्यूमन बॉडी है ना इसका हर पार्ट अलग बिहेव करता है हर शख्स में इसका बिहेवियर अलग होगा उस इंडिविजुअल में भी अलग होगा और दो लोगों को आप एक जैसा
ट्रीट नहीं कर सकते ओके, उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। किसी भी सर्जरी का रिजल्ट हो जाए सो वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी का रिजल्ट चाहे वो उनके स्कार्स हो चाहे उनके स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इसी तरीके से बोटॉक्स फिलर्स इनके रिजल्ट भी ऐसे हैं। सो वो जो आपकी लिमिटेशन अगली का बिहेवियर उसके टिश्यूज़ का बिहेवियर वो जब आप काम करना शुरू करते हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देन यू सी दिस वर्ल्ड कि यार ये तो सब कुछ अलग ही है। मैंने उसको भी 400 का इम्प्लांट डाला था वो उसके रिजल्ट कुछ और हैं, इसको 400 का इम्प्लांट डाला रिजल्ट कुछ और हैं, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ इस वजह से कुछ और हुए कि मैंने प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं की। जिसमें ख़राब रिजल्ट है सो उसमें या तो मैंने इम्प्लांट का साइज सही सेलेक्ट नहीं किया या मुझे पेशेंट के जो टिश्यूज़ थे कि वो बाद में क्या बिहेव करेंगे उनमें कितनी लैक्सिटी है वो मुझे नहीं पता था है ना। सो आप जितने भी अच्छे लोग देखेंगे वो इन सब चीज़ों से सीखते हैं कि क्या काम किया उसका क्या रिजल्ट हुआ ख़राब रिजल्ट में क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। और बताइए जी when we inject them on the forehead, we ऐसे structures जिसको हम लोग avoid करें जैसे supraorbital nerve के आंटी जो जारी है उसको किस तरह से हम लोग like landmark के देख के उसको avoid कर सकते हैं कि उसमें inject ना करें nerve damage ना करें। ये जो नर्व और आर्टरी का सिस्टम है ना आई एम वेरी सॉरी ये हमारा और डर्माटोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। लाइव में जो सब कवर करते हैं फिर आपको डराते हैं उस वर्कशॉप के बाद 3 दिन तक आपके क्लिनिक में आपका हाथ कांपता रहता है क्या होगा। हमने ये एरिया से इतने देखे हुए होते हैं सो हमारा ख्याल है कि बहुत लीस लाइकली है नर्व की इंजरी ओके। और सेकेंड चीज़ है कि जो नीडल का साइज होता है उस पर आपने अगर कोई इतनी मान 27 इंच की नीडल की बात करें सो अरे तो ये ऐसी नर्व आपने इंजर कर भी दी जो कि नीडल ने आपकी डिवाइड कर दी काट दिया कोई समझ गया फेशियल नर्व को उस निडल के जरिए काटना बहुत मुश्किल है। निडल का जो ट्रॉमा होता है नर्व पे अभी हम नर्व की बात करें निडल का जो ट्रॉमा होता है नर्व पे कि निडल उसमें से गुजर गई या साइड से कोई वो हो गया उसको कहते हैं उस इंजरी का स्पेसिफिक नाम है न्यूरो पैरेक्सिया। आई होप आप सबने सुना होगा न्यूरोपैरेक्सिया। सो वो इंजरी सेल्फ रिकवरी है सो बोटॉक्स और फिलर नर्व से आपने नहीं डरना ओके बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे भी एंड कर दूं खत्म हो गई है फाइनल। आप अब आ जाएं वैस्कुलर इंजरी पे ओके ना बोटॉक्स एक पैरालाइजिंग एजेंट है